नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि फिन निफ्टी का आज मंडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल रही है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों अपन फिन निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहां पे आज एक अपन को फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट्स की एक अपन को वॉलेटिलिटी वाला मोमेंटम अप डाउन देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक अपन को रेंज बनती हुई देखने को मिली, और यहाँ पे भी देखेंगे तो अपन को रेंज का ही पूरे दिन रेंज के अंदर ही मोमेंटम करते हुए देखने को मिला है। एक अपन को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो कि एक अपन को अगर अपन इस पॉइंट से मार्क करते और ऐसे एक्सटेंड करते तो यहाँ पे एक अपन को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। फिर साथ में रीटेस्ट होने के बाद एक अपन को वन वे मोमेंटम क्लोजिंग के टाइम में देखने को मिला है, जो कि अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट्स थे अराउंड 151 पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई किए होंगे उन्हें एक मोमेंटम ये वाला अपसाइड में देखने को मिला होगा, और फाइनल क्लोजिंग फिन निफ्टी के अराउंड 23,722 के लेवल के आसपास की देखने को मिली है। तो ये था फिन निफ्टी का मंडे के दिन का इंट्राडे का मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है फिन निफ्टी। तो दोस्तों अपन आ गए फिन निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो हमें आज की कैंडल देखने मिली वो एक अपन को बहुत अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। अब जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपन को देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में वो है ये वाला लेवल, जो कि है 23,950 का लेवल। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 24,500 तक के साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बीरिश मूव की बात करें तो वो अपन को तभी देखने को मिलेगा जहाँ से आज हमें रिकवरी देखने को मिली है, जो कि लेवल है 23,441 का लेवल, या फिर बोल सकते हैं 23,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो एक अपन को डाउन साइड में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 23,150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच मोमेंटम करें, यहाँ पे एक अपन को वॉलेटिलिटी और भरा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है साइडवेज मोमेंटम। तो ये था फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसे क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ देखेंगे कल ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों अपन आ गए फिन निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे बुलिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। तो अपसाइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकआउट हो, जो कि है 23,740 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 23,850 का लेवल, और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो सीधे फिर अपना नेक्स्ट टारगेट 23,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑल टाइम हाई लेवल, जो कि है 24,075 के आसपास का लेवल। और अगर ऑल टाइम हाई लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक अपन को 100 पॉइंट्स की अपमूव आराम से देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा रेजिस्टेंस अपना 24,175 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 23,740 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करे फिन निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बियरिश मूव अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकडाउन करे, जो कि अराउंड 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो एक अपन को यहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 23,441 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसको ही ब्रेकडाउन करता है तो मैं पहले चार्ट को थोड़े पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के नीचे अपन को बहुत दिनों बाद मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा फिर निफ्टी। दोस्तों जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 23,350 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,280 का लेवल। अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल, जो कि अराउंड 23,185 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 23,500 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है फिन निफ्टी तो। अगर फिन निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और साइडवेज मोमेंटम होने के कारण अपन को प्रीमियम डीके भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 23,740 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 23,500 का लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे फिर निफ्टी। और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक अपन को अच्छी एक रेंज बनती हुई देखने को मिले, जैसे कि 15 मिनट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें एक हमें अच्छा कंसोलिडेशन मूव देखने को मिले, और उस कंसोलिडेशन मूव के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, टेलनेस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।